Suhaq Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. Our guest today is very famous film director Navtej Sandhu. आ तीमी की दिया होए नेरी यकदी लाट है वे सौ जुत्तियां हो जिया वालियां दे मैं कर दी दिल इन्हें टपन देनी साड़ी का दी बदनामी अन्ना खर्च करने वाला बंदा अन्ना नहीं हुंदा नूरा वेलकम टू द शो नवतेज जी कैसे हैं आप ऑल गुड मैम थैंक यू रश्मि जी और सो नाइस ऑफ यू कि आज मेरे को लाइक मौका मिला कि आपके चैनल पे लाइव होने का थैंक यू सो मच आपका तो जो इंट्रो में मुझे आपने पंजाब याद दिला दिया मैंने सोचा कि आज आते ही उन्हें सत श्री अकाल बोलना चाहिए यार बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग थैंक यू रश्मि जी थैंक यू सो नाइस ऑफ यू थैंक यू सो मच आप लोग तो हमारे को यहाँ दूर बैठे हैं हम लोग यूएसए और कनाडा में हमारे व्यूअर्स को आप पंजाब की यादें ताज़ा करा देते हैं और ये स्क्रीन पे लाते हैं इतने अच्छे अच्छे सीन्स पंजाब की बात ही निराली है थैंक यू मैम थैंक यू तो नवतेज जी मैं जानना चाहूँगी एज यू आर अ डायरेक्टर बट आई नो डायरेक्टर के ऊपर तो सबसे ज़्यादा भार होता है जब मूवी बनाई जाती है इट्स नॉट ईजी टास्क It's actually a task, you know, director को कि एक पूरी movie का पूरा मतलब भार उनके कंधों पे होता है that's what I feel. तो मैं actually आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे सोचा कि मुझे director बनना चाहिए? रश्मि जी director तो मैं काफी बाद में बना हूँ. अच्छा. Director बनने से पहले like direction तो मैंने शुरू की है 2013 में. अच्छा. तो but ये कि उससे पहले मैं पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ था और ये ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो चुके हैं मेरे को पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड मैं कॉलेज टाइम से यू कैन से कि मैं इस तरफ जुड़ गया था पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ फैंटास्टिक तो आपको पहले से इंटरेस्ट है इस फील्ड की तरफ आपको लाइक दिस हैज ऑलवेज बीन योर प्राइम इंटरेस्ट व्हेन यू वर यंग इन कॉलेज कि आपको था कि आई हैव टू गो इन दिस फील्ड हाँ जी वो मेरे को लाइक यू कैन से कि स्टार्टिंग से ही था कि हाँ सिर्फ पंजाबी कल्चर पंजाबी म्यूजिक पंजाबी सिंगिंग क्योंकि उस टाइम पे अभी मूवीज उतनी उस टाइम पे नहीं थी क्योंकि बहुत एक टाइम ऐसा चल रहा था पंजाब में कि यू नो वहाँ पे मूवीज नहीं बनती थी टेररिज्म का टाइम था कुछ भी यू कैन से तो ये है कि उस टाइम पे फिर सिंगिंग ही ज्यादा होती थी तो मैं यू कैन से एज ए पीआरओ कह सकते हो बट मैं नॉन कमर्शियल हमेशा मैंने काम किया आज तक लाइक मैंने एक मेरे माइंड में जुनून ऐसा था कि यार पंजाबी म्यूजिक अच्छे से अच्छा प्रमोट होना चाहिए तो एज ए प्रमोटर मैं ज्यादा रहा हूँ बाद में टाइम आता गया मूवीज आनी शुरू हो गई फिर वही सिंगर्स एक्टर बन गए तो ये जर्नी आगे चलेगी फिर लंबी फैंटास्टिक बट आपने जो मूवी बनाई और पहली मूवी आपकी कैंस पहुंच गई तो प्लीज वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे आपका सफर शुरू हुआ और कैसे एंड हाउ वाज योर फीलिंग व्हेन यू सॉ कि ओह माय गॉड कैंस में इट्स अ बिग थिंग इट्स अ बिग ऑनर ऑफ कोर्स हाँ जी वो होता ना कि ड्रीम स्टार्ट कह सकते हो जिस तरीके का हर डायरेक्टर चाहता होगा लाइक ये वो ड्रीम स्टार्ट ही मेरे को मिला और फीलिंग ये है कि मैं शायद बोल के ना बता पाऊं वो तो वहां पे जाके फील करने की फीलिंग थी कहां हम एक रीजनल सिनेमा है ना वहीं पे उतने से दायरे में सारे लोग भागते हैं बट वहां पे जाके पता चलता है कि वर्ल्ड सिनेमा कितना बड़ा है कि वी आर जीरो उनके सामने जीरो है बेसिकली बट ये है कि अपनी जगह पे ठीक है बहुत अच्छा था बहुत बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया मीडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट थी फर्स्ट एवर कोई पंजाबी मूवी वहां पे लाइक स्क्रीनिंग हुई
जर्नी चलती रही, बहुत तो अच्छी नूरा फीलिंग जो थी, आपने बनाई ड्रीम थी स्टार्ट। मूवी, वो मूवी थी आपकी पहली नूरा? जी, एज अ डायरेक्टर मेरी पहली शॉर्ट मूवी नूरा थी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और आपको कैसा लगा था कि ये मूवी इतना कमाल कर जाएगी? इसके बनाने के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जरूर होता ना हमारे कई बार व्यूअर्स कि के साथ बिहाइंड शेयर द करें। कैमरा काफी कुछ हुआ होता है, हाँ, जो आम ऑडियंस को नहीं पता होता। उन्होंने तो बस देखा, ट्रेलर आ गया, प्रोमो आ गया, मूवी आ गई, देख ली, काम खत्म। बट उसके पीछे ऐसी ऐसी चीजें हुई होती हैं बिहाइंड द कैमरा, इंटरेस्टिंग भी होती हैं, कई बार डिप्रेसिंग भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। बहुत अच्छी जर्नी थी नूरा तो, क्योंकि जब नूरा बनाई, आपके वो क्वेश्चन का आंसर भी है इसमें कि क्यों मैं डायरेक्टर बना, जी क्योंकि उस टाइम पे पंजाबी में सिनेमा में कॉमेडी मूवीज का टाइम चल रहा था। जो भी बनाता था कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। स्टार्टिंग में कुछ बहुत अच्छी मूवीज आई हैं कॉमेडी, बट उसके बाद वो स्टेगनेंट सा हो गया। एक ही टाइप की सेंसलेस, उसमें कंटेंट मिसिंग होता था। आप कह सकते हो कि चुटकुले जोक्स जोड़ जोड़ के पिक्चर बना देते थे। जी तो हमें इंडस्ट्री वाले भी, इवन कई लोग थे कि हमने भी पंजाबी मूवीज देखनी बंद कर दी कि यार एक ही टाइप की, वही एक्टर्स चार पांच, उन्हीं को घुमा के एक मूवी में चाचा बना होता है, वही अगली मूवी में फादर होता है, वही अगली मूवी में ताया होता है। वो एक ही चीज थी। तो मेरे को लगा कि यार कुछ डिफरेंट तो चाहिए ना, ये तो बोरिंग होना काम शुरू हो गया। बिल्कुल तो मेरे को ये पता था कि पंजाबी मूवीज, हमारा जो लिटरेचर है बहुत रिच है, पंजाबी लिटरेचर। तो मैंने बड़ों को कहा कि यार आप पंजाबी लिटरेचर में से कहानियां लो, जी इतना इतना सही लिटरेचर पड़ा हुआ, तो आप उस पर क्यों नहीं बनाते मूवीज। तो प्रोड्यूसर्स का या उनका एक ही जवाब होता था, नहीं 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 लोग, ऑडियंस सिर्फ कॉमेडी देखती है और कुछ नहीं देखती। ओके, मैंने कहानियां पढ़नी शुरू की, काफी लिटरेचर पढ़ा, बट उसमें से फिर ये नूरा जो थी वो मैंने शॉर्टलिस्ट की कि यार ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इस पे अगर मूवी बने तो काफी अच्छी जाएगी, क्योंकि ऑफबीट होगी, जो चल रहा है उससे हटके होगी। मैं कई प्रोड्यूसर्स के पास भी गया देखे स्टोरी की, इस पे बनानी है मूवी, पर किसी ने भी हाँ नहीं की, ओके okay. फीचर फिल्म के लिए हाँ नहीं की, नहीं ये नहीं चलनी, ये नहीं चलनी, कुछ नहीं है, लोग देखेंगे नहीं, कॉमेडी दिखाओ, कुछ ऐसा करो। बट मेरे को मेरी गट फीलिंग थी कि नहीं, ये मूवी तो काम करेगी, ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है मैं फिर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई और खुद ही उसको प्रोड्यूस किया, तो रेस्ट इज अ हिस्ट्री। बस नूरा फिर आई और नूरा ने कमाल कर दिया। और आप तो कमाल में कमाल कर रहे हैं, आपकी तो मूवीज कैंस में अब शुरू हुई तो जाती जा रही है। मैं तो आपसे जानना चाहूंगी फिर उसके बाद भी जो आपने बनाई वो भी कैंस हाँ में गई। ग्वाची पग इज वेरी नाइस। जी, वो कई बार होता क्या कि अनएक्सपेक्टेड सा, कह सकते हो कि रिवार्ड मिल रहा था अगर मैं बिल्कुल साफ नीयत से बना रहा था, काम कर रहा था मेहनत से। क्योंकि ये नहीं कि मैं रातों रात डायरेक्टर बन गया हूं या कुछ ऐसा हो गया, नहीं, वो तो मैंने 2013 में पहली डायरेक्ट की, बट उससे पहले मेरी जो 10 साल की जर्नी थी लोगों को उतना नहीं पता, उनको करेक्ट लगा कि शायद ये बस आया डायरेक्टर बन गया और काम चल पड़ा। जी बट वो स्ट्रगल जो पहली, वो उनको, लोगों को नहीं पता, इंडस्ट्री वालों सभी को पता है, क्योंकि पहले 10 साल 93 से लेके 2013 तक मैंने जितना काम इंडस्ट्री के साथ किया है, इनके लिए किया है, उन सभी को मेरा पता था। तो वो ये है वाह कि फिर वही चीज उनको पता था कि बहुत साफ नीयत से काम करता हूं मैं, कभी इतना नहीं मैं करता कि कोई मिस यूज नहीं किसी का, दोस्ती बहुत है सारे सारे एक्टर्स के साथ, सारा कुछ है। सो वो पे ऑफ किया आगे आके। और बात अगर काम की करें तो नो डाउट, मेरे को भी कई बार विश्वास नहीं होता कि यार लोगों के तो कैरियर निकल जाते हैं तो कांस तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाते, बट शुक्र है कि मेरे हैट्रिक हुई है वहां पे, मेरी 3 मूवीज वहां पे जा चुकी। सो आपकी उन तीनों मूवीज का क्या सब्जेक्ट था, बेस आपका जो था सब्जेक्ट मूवीज में तीनों में? उसमें मैंने जितना भी रश्मि काम किया ना आज तक, मैं हमेशा करता हूँ लिटरेचर बेस्ड, पंजाबी लिटरेचर में से स्टोरीज लेके, क्योंकि जी मेरा बहुत मानना स्ट्रांगली कि मैंने रिसर्च भी की हुई कि पंजाबी लिटरेचर में से जितनी भी मूवीज बनी है ना पंजाबी की आज तक, वो सुपर डुपर हिट रही हैं, लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको। जी आप चन परदेसी देख लो,
लौंग दा लिश्कारा देख लो, वारिस देख लो, एक चादर मैली सी, ये सारे अवार्ड विनिंग और सारी पंजाबी लिटरेचर बेस्ड है मूवीज। सो मैंने जितना भी आज तक काम किया है टिल मेरी लेटेस्ट मूवी जमरौद, वहां तक जितना भी काम है वो सारे का सारा पंजाबी लिटरेचर में से स्टोरीज लेके किया मैंने, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है हमारा बहुत रिच है लिटरेचर, मैंने जैसे पहले बताया था। सो अभी बहुत कुछ पढ़ा है जो लोगों को दिखाएंगे, बाकी गॉड को पता होगा कि क्या कितनी देर काम करना है, कब कैसे करना, बट कोशिश यही रहेगी कि कंटेंट अच्छा मिले लोगों को देखने के लिए। तो आपकी मूवीज के नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मेरे को, बहुत अच्छे हैं एंड वेरी कैची, लाइक बुआची पग, कम दी ड्योरी, नूरा, लाइक ये कैसे आए नाम मूवीज के, लाइक हाउ यू फाइनलाइज किया दिस इज अ नाइस नेम फॉर द मूवी? इसमें रश्मि जी मेरी सोच ये है कि जो टाइटल होता है ना मूवी का वो बहुत ज्यादा काम करता है मूवी को, लाइक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बिफोर रिलीजिंग ऑफ मूवी दो चीजें काम करती हैं, एक आपका ट्रेलर, एक आपका आर्टवर्क जो पोस्टर्स वगैरह पब्लिसिटी मटेरियल, एक टाइटल। ये चीजें जो है इनको देख के लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने मूवी देखनी है कि नहीं देखनी। सो बाकी जब मैं कहानी कोई देखता हूँ, ढूंढता हूँ, स्टोरी कोई मेरे को पसंद आती है, फाइनल होती है, तो उसमें से कई बार होता है कि मैं टाइटल चेंज भी करता हूँ ओरिजिनल स्टोरी में से लेके। जैसे नूरा जो कहानी है वो उसका ओरिजिनल टाइटल कुछ और था जी, बट मेरे को वो करेक्टर, क्योंकि उस लड़ी लेडी नूरा के इर्द गिर्द तो मेरे को था कि ये नूरा इसका नाम ही जाना चाहिए कि उसकी कहानी है। ऐसे ही कंब दी ड्योड़ी, उसका भी टाइटल कुछ और था, तो मेरे को लगा कि डिफरेंट सा इसका, तो क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपने वो मूवी देखी हो तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रेज करती है, बहुत बड़ी सोशल इशू पे है मूवी, लाइक जिसमें घर पे ही एक स्टेप फादर अपनी बेटी पे बुरी नजर रखता है। ओके, तो वो था कि अगर लड़की घर के अंदर ही नहीं सेफ, तो उसमें डायलॉग भी है लड़की एंड में पूछती है कि मेरे को एंड में लड़की बोलती भी है कि हमें ये तो सिखाया जाता है कि घर से बाहर जब जाते हो तो बहुत ध्यान रखो, लोग बड़े खड़े होता है, तो ये क्यों नहीं बताया कि घर के अंदर भी हो सकते हैं। तो मेरे को लगा कि एक लड़की के लिए जो घर की दहलीज होती है वो घर के उस दहलीज के अंदर सेफ फील करती है, तो इसलिए मैंने वहां से पंजाबी में दहलीज को ड्योड़ी बोलते हैं, तो वो शिवरिंग गेटवे मींस कंबदी, वो भी दहलीज भी कांप गई, ऐसे वो टाइटल कंबदी ड्योड़ी हमने फाइनल किया। तो डॉक्टर सीमा गरेवाल है अमृतसर में, पोएट है, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि हम सर ये रख सकते हैं टाइटल, तो अच्छा था। ऐसे ही गुवाची पग, उस गुवाची पग ओरिजिनल टाइटल है मूवी का, उसका ओरिजिनल नाम भी गुवाची पग था, वो कहानी भी टेररिज्म के टाइम की कहानी है जी। तो द लॉस्ट टर्बन कह सकते हो कि एक जी। अपना अपनी पहचान जो एक सिख के लिए पगड़ी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो वो एक सिचुएशन एक इंसिडेंट है जिसके ऊपर बनाई थी कि अपनी आइडेंटिटी ढूंढता सारी मूवी में। ऐसे ही जो मेरी थी डॉटर ऑफ द बिन, उसका ओरिजिनल टाइटल है, उसका वो एक्चुअली प्ले है, अमृतसर के राइटर है बहुत बड़े डॉक्टर जितेंद्र बराड़ जी, उनका प्ले था 2.5 घंटे का, उसको फिर मैंने क्रिस्प करके 40 मिनट्स में लेके आया, वो ऐसे टाइटल्स हैं। सो टाइटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो टाइटल्स सेलेक्ट करने के टाइम में बहुत ध्यान रखता हूँ। वाओ, पर व्हेन यू आर डायरेक्टिंग अ मूवी एंड इट्स अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड द सीन, सो हाउ यू मैनेज योर एंगर इश्यूज? आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि ये हो नहीं रहा है या ठीक नहीं है? तो आप कैसे, आप तो बहुत लगता चिल टाइप के पर्सन लग रहे हैं मुझे कि आपको गुस्सा नहीं आता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाउ इट हैपेंस। और रश्मि जी बात ये है कि हाँ जी नहीं, वो है कि अगर कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है अगर वही टेम्पर लूज कर जाए या पैनिक हो जाए तो फिर जहाज तो डूबेगा, है ना, तो वो बहुत रहना पड़ता है, और वैसे मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, हो जाता है बहुत बार, बट ये है कि बहुत शांत है नवदेव जी, लगता नहीं है आपको गुस्सा आता है नहीं आपको तो कभी कभी आता है तो अच्छा। बट ये कि खतरनाक गुस्सा जब आता है बट अवॉइड करता हूँ कि ना ही है, तो काम तो बहुत होता करने वाला, जैसे आपने बोला कि बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ होता करने वाला, तो ठीक है एक बार जब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं काम तो फिर वो एक
पता चल जाता है कि ये किस प्रोसेस में से निकलना और कैसे काम होना, तो फिर होता जाता काम। बट ये कि एक टीम भी बनाई होती है, और मेरी एक ये है बात कि मैं हर बार टीम नहीं चेंज करता, क्योंकि जब मेरे को जरूरत थी नूरा के टाइम, तो जो टीम ने मेरा उस टाइम सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े हुए, मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने फिर वही टीम आगे कंटिन्यू की टिल मेरी ये 7th मूवी जमरौद वहां तक। क्योंकि एक मूवी चल जाए, हिट हो जाए, तो फिर तो सभी का दिल करता कि मैं भी इसके साथ अटैच हो जाऊं, जो पहले हमें ना कर चुके होते हैं, सभी का होता है। बट मैंने नहीं, फिर मैंने, मेरा असूल ये है कि एक टीम बन गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ट्यूनिंग हो गई, केमिस्ट्री मैच कर गई, तो फिर बस वही चलती है टीम। उनको पता होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और मेरे को मेरा वर्क स्टाइल उनको पता है, मैं कैसे काम करता हूँ, तो मेरे को फिर वो आगे प्रॉब्लम नहीं आती। सो टीम मैंने वही रखी है, इसलिए तो इजी हो जाता है काम करना। वाओ, सो नाइस टू नो, बिकॉज़ वी डू हैव एंटरटेनमेंट कंपनी, माय ड्रीम एंटरटेनमेंट, माय प्रोडक्शन का भी है, तो वी अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत, कितना काम, एंड इट्स नॉट इजी टास्क, इट्स अमेजिंग, एंड दैट्स द रीजन आई हैव सो मच रिगार्ड्स फॉर यू, दैट्स अमेजिंग। और जो आपने काम किया है बहुत बढ़िया, अमेजिंग, फैंटास्टिक, थैंक यू मैम। एक्चुअली ऑडियंस का जब हम देखते हैं ना, जब खुद करते हैं, तो फिर पता चलता है यार, हम भी जब मूवी देखने जाते हैं थिएटर्स में, तो लाइक बाहर निकल के हम 2 सेकंड में कर देते हैं, बात नहीं बनी। हाँ जी। बट कितनी बड़ी टीम की एफर्ट होता है, कितने महीनों का हमारा मेहनत होती है, और ऑडियंस ऐसे रिजेक्ट करती है। सो पता तो उसी को चलता है जो, इसलिए मैं किसी मूवी को खराब कभी नहीं कहती, मुझे पता है बहुत मेहनत है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ एक्टर्स, एवरीबॉडी, बिल्कुल, ऑफ डायरेक्टर, एक्टर, देखो टीम, खराब द होल मूवी तो टीम इज वर्किंग हार्ड, कोर्स, यस, क्योंकि खराब मूवी तो कोई भी नहीं बनाता, हर हर एक डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर अपनी तरफ से अच्छी मूवी ही बनाता है, वो तो मूवी की किस्मत है। लाइक मैं तो मानता हूँ कि ये जो फिल्म लाइन है, ये जुआ है, लॉटरी है, लग गए तो लग गए, नहीं तो गए। हर फ्राइडे, बात फेमस है कि हर फ्राइडे प्रोड्यूसर कई मरते हैं, हर फ्राइडे मरते हैं, सो ये तो जुआ है, बिल्कुल ठीक गैम्बल है, आपने, एब्सोल्युटली लॉटरी। राइट, बिल्कुल। तो आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं नवतेज जी? देखो उसमें मैं अभी तो मेरी जमरौद फीचर फिल्म है, मेरी एज ए डायरेक्टर फर्स्ट फीचर फिल्म है ये पंजाबी, और ये वर्ल्ड वाइड रिलीजिंग के लिए रेडी है। अब तो ये COVID-19 की वजह से डिले हो गई है, बट ये कि देखते हैं अभी, बात चल रही है, जैसे ही सारा कुछ सेटल होता है तो जमरौद हम वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे, और ये भी लिटरेचर में से ही स्टोरी ली है मैंने, और इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, लाइक लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू बिकम अ डायरेक्टर, जो यंग जनरेशन है वो भी, दे वॉन्ट टू परस्यू देयर करियर इन दिस फील्ड, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक शॉर्ट मूवीज हैं या फीचर फिल्म हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप क्या समझते हैं और आपकी क्या सोच है इन दोनों के बारे में? देखो जो करना चाहते हैं कैरियर परस्यू एज अ डायरेक्टर, जरूर करना चाहिए, और उसमें 2-3 चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, कि सबसे पहले तो उनको इस लाइन का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी प्रोड्यूसर, आप कोई, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, कोई फाइनेंशियल आपको हेल्प मिल जाती है, तो आप सीधे ही डायरेक्टर बन जाओ, वो नहीं करना चाहिए। आपको पहले सीखना जरूर चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टेक्निकल काम बहुत होता है, क्रिएटिव वर्क सबसे ज्यादा होता है। अगर आप डायरेक्टर को ये चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो अपना शौक तो पूरा कर लेगा डायरेक्टर बनने का, पर वो प्रोड्यूसर दोबारा नहीं उठ पाएगा और उसकी टीम भी टूटेगी। सो पहले तो उनको असिस्ट करना चाहिए किसी ना किसी डायरेक्टर को, ये बहुत जरूरी है। ये भी नहीं कि एक फिल्म कर ली तो आपको लगेगा कि मैं सीख गया, नहीं, आपको 3-4-5 मूवीज एज असिस्टेंट आपको कनेक्ट होना चाहिए, वो सेट पे रहो, प्रैक्टिकली देखो क्या है। ये लाइन ऐसी है कि इसमें सर्टिफिकेट्स या क्वालिफिकेशन काम नहीं आती, ये तो प्रैक्टिकल लाइन है। आपको जितना प्रैक्टिकली पता होगा, टेक्निकली आप जितना स्ट्रांग होगे, आप क्रिएटिव वर्क में जितना स्ट्रांग होगे, आपका होमवर्क जितना ज्यादा पहले हुआ होगा बिफोर शूट, आपका शूट उतना इजी रहेगा और उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये है कि एक मेरा ये मानना है कि डायरेक्टर को राइटर भी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं मैं कह रहा कि फुल फ्लेज राइटर, नो,
बट उसको राइटिंग का या एटलीस्ट उसको इतना पता होना चाहिए कि स्टोरी में एक डायरेक्टर क्या कंसीव कर रहा है, वो क्या स्क्रीन को स्क्रीन के ऊपर लाना चाहता है। तो कुछ ऑल्टरेशंस करनी, कुछ सजेशंस देने, कुछ एडिट करना सीन ऑन द स्पॉट जरूरत पड़ती है। राइटर्स को बताना यार मेरे को ये चाहिए, हम इसको ये चेंज कर दें, इसमें ये चीज डाल दें। तो एक राइटर भी उसको होना चाहिए साथ में जरूर। That's very good actually, fantastic. आपने बहुत अच्छा समझाया है हमारे व्यूअर्स को and it's a good message actually. तो आप जैसे आपने शॉर्ट मूवी बनाई और फीचर फिल्म भी, so what is the difference you feel in both of them? डिफरेंस एक तो सबसे पहले आ गया कि फाइनेंस, लाइक शॉर्ट फिल्म बहुत लो बजट होती है, बट ये अब डायरेक्टर डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि कोई कितनी उसकी क्वालिटी बना के रखता है। कई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, टेक्निकली कर लेते हैं लो बजट रखने के लिए, या उसमें पोस्ट प्रोडक्शन जो होती है वहां पे जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, स्टूडियो अच्छे में नहीं काम करते, एडिटर अच्छा नहीं होता, वो नहीं होना चाहिए। काम मीन्स काम, शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो, आपके लिए वो काम है और उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। शॉर्ट फिल्म अगर 5 मिनट की भी हो, 40 मिनट की भी हो या फीचर फिल्म हो, आपका वर्क स्टाइल सेम रहना चाहिए। आप उसको ये लेके ना चलो कि ये छोटी है तो कोई बात नहीं निकाल दो, इसमें कौन सा कोई बचना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो आपको रखना चाहिए लेवल सेम, आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली मेरा ये मानना है कि शॉर्ट फिल्म ज्यादा टफ है बनानी, उसका रीजन है बहुत बड़ा। आपको लगता होगा कि ये कैसे है, बट देखिए कहां हमने एक फीचर फिल्म बनाने के लिए हमारे पास 30 डेज 40 डेज ये है ना, इतना शेड्यूल होता है कि इतने दिनों में कंप्लीट करनी है। हमने कोई स्टोरी 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में, 2 घंटे में ऑडियंस को देनी है, और वही चीज हमें हो सकता है हम 15 मिनट में दिखानी हो शॉर्ट, या 30 मिनट या 40 मिनट में सारा कुछ वाइंड अप करके खत्म करनी है। तो वो ज्यादा टफ है दिखानी, 2.5 घंटे वाली चीज को 40 मिनट में 35 मिनट में दिखाना ज्यादा टफ है। क्रिएटिवली ज्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है, और मैं उसको ज्यादा चैलेंजिंग मानता हूँ, और मजा भी उसको आता है करने में, क्योंकि फीचर में तो हमारे पास टाइम होता है, जितने रीटेक्स कर सकते हो, कई कुछ है, बड़ा कुछ है, बजट बहुत होता है, आप जो मर्जी कर सकते हो, फिल्म दिखा सकते हो। तो शॉर्ट फिल्म का ये है कि ज्यादा चैलेंजिंग है, बजट भी कम है, कम दिनों में भी शूट करनी है, कम दिनों में शूट करेंगे तभी बजट के अंडर रहेगी। तो बाकी सारा क्रिएटिवली उसको खत्म करना उतने मिनट्स के अंदर अंदर, ये ज्यादा चैलेंजिंग है। सो मेरे को ये ज्यादा टफ लगता है बनाने शॉर्ट। बट शॉर्ट मूवीज को हम थिएटर्स में तो रिलीज करते नहीं, तो इसके कैसे कवर करते हैं फिर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, हाउ इट विल बी कवर्ड? देखिए इसमें भी दो कई पॉइंट्स हैं, लाइक मेरे को जब मैंने शुरू की थी नूरा से तो मेरे को बड़े लोग पूछते भी थे, क्योंकि उस टाइम पे ना पंजाब शॉर्ट मूवीज का ट्रेंड नहीं था, ये ट्रेंड सेटर मूवी थी नूरा। उसके बाद तो जिसको देखो वही शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आपके वाले क्वेश्चन की बात है कि उनको लगता था कि ये बनाई तो पता नहीं क्या, क्योंकि मेरे को मीडिया ने नूरा कामदी ड्योड़ी बहुत हाईलाइट किया था, काफी न्यूज में रहा था, तो लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा इजी काम है, ये तो थोड़े पैसे में बना के ये तो पॉपुलर भी हो गया, स्टैंप भी लगी एज ए डायरेक्टर, वर्ल्ड वाइड जा भी रहा हूं, है ना। उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि बहुत इजी है, ये तो बड़ी मनी मेकिंग, अगर ये इतना बार वर्ल्ड वाइड जा रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि इसकी रिटर्न जीरो है। शॉर्ट फिल्म की जीरो रिटर्न होती है, बिल्कुल नहीं होती इसकी रिटर्न। अब मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछते थे मीडिया वाले भी, अगर नहीं है रिटर्न तो आप क्यों बनाते हो। अब ये अपनी अपनी थॉट है, मैंने जैसे आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कमर्शियली काम नहीं करता था, मैंने ये जमरौद पहली पिक्चर है जहां पे मैंने पेमेंट लिया एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर तो मैं प्रॉपर काम किया, इसके पहले 25 साल मैंने फ्री में एक सोशल वर्क ही कह लो किया है, मैंने कभी भी पैसे नहीं लिए। एक कुछ थॉट ऐसी है, मेरी भी सोच ही ऐसी है, कोई मानता नहीं था, वो कहें कि कहां से आप करते हो, मैं यार मैं इसलिए बनाता हूं कि मेरा अल्टीमेट टारगेट तो ये है कि मैंने फीचर फिल्म बनानी है। ये मैं जमराव से पहले की बात कर रहा हूं, मेरा टारगेट तो यही था कि मैंने फीचर फिल्म बनानी है। अब जिस टाइप की मैं सिनेमा बनाता हूं, आप कह सकते हो कि आर्ट सिनेमा है, या आप कह सकते हो कि सेमी क्लासिक है, कुछ उस टाइप का,
उस टाइप की ऑडियंस पंजाबी में बहुत कम है, वो कमर्शियली उतनी वाइबल नहीं होती, सब्जेक्ट अवार्ड विनिंग होते हैं नो डाउट, फेस्टिवल्स में बहुत उनको रिकॉग्निशन मिलती है, बट कमर्शियली थिएटर में वो चीज उस टाइप का सब्जेक्ट नहीं चलता। तो मेरे को पता था कि मैं इस टाइप का सिनेमा बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा तब जब मेरी ऑडियंस एक तैयार हो जाएगी, मेरी पता होगा कि हाँ इतनी ऑडियंस तो है ना मेरी देखने वाली। तो मैं अपना बेस बना रहा था, यू कैन से मैं अपनी अपनी ऑडियंस तैयार कर। अब मेरी वो ऑडियंस, मेरी 5-6 शॉर्ट फिल्म्स के बाद मेरे को ये पता कि जब ये जाएगी जमराव थिएटर्स में तो ये नहीं है कि मेरे थिएटर्स खाली जाएंगे या कुछ ऐसा, नो, मेरी एटलीस्ट वो ऑडियंस तो है ना जिन्होंने देखा हुआ मेरा काम और वो रेडी है देखने के लिए। सेकेंडली ये होता है कि जी देन होता है कि अपना प्रोडक्शन हाउस अगर किसी ने एस्टेब्लिश करना, प्रोफाइल रेडी करना, आप सीधे एकदम वही जो मैंने पहले बात की थी कि पहले लर्निंग करो। प्रोड्यूसर्स को भी यही चाहिए, ये नए प्रोड्यूसर्स के लिए भी है कि आप सीधे एकदम नई फीचर फिल्म पर इन्वेस्ट ना करो, आप पहले उस चीज को, उस लाइन को सीख लो, नहीं तो आपको अच्छा टांके लगेंगे। हमें पता होना चाहिए खर्चा कैसे होता है, शूट कैसे होता है, ऑन द स्पॉट खर्चे क्या होते हैं, डेली एक्सपेंसेस क्या हैं, कैसे पोस्ट प्रोडक्शन होती है। वो लर्निंग प्रोसेस के लिए आप शॉर्ट फिल्म बनाओ, आप कह सकते हो कि वो एक आपकी लर्निंग है शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू। तो मैंने भी लर्निंग ही की है, ये नहीं कि मैं सीधा ही। तो मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे शॉर्ट फिल्म्स के, वो बहुत नाइस सभी के सभी, और बाय चांस हैं भी सारे ओवरसीज के, है ना। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। वो ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, जब आप अच्छी चीज बनाते हो ना तो अच्छी चीज देखने वाले भी हैं, वो अपने आप कनेक्ट हो गए कि नहीं नवतेज जी आप ना, आपकी ये देखी बड़ा अच्छा काम किया, नेक्स्ट करोगे तो हमें बताना, मैं चाहता हूँ मैं भी कोई अच्छी चीज बना के दूं। सो ऐसे प्रोड्यूसर्स कोई ना कोई अटैच हो जाते थे, मूवी बन जाई, बन गई, मेरी लर्निंग हो गई, उनका प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश हो गया, उनके प्रोफाइल में मूवीज आ गई, तो उन्होंने भी सीख भी लिया कि मूवी कैसे करनी है। सो ये इस तरीके से चलता है। तो शॉर्ट फिल्म्स की रिटर्न जीरो है, ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कोई इसलिए ना करना शुरू कर करो। मैं तो कह रहा हूँ आप बनाओ, आपको बनानी चाहिए, आप कह रहे हैं लर्निंग, यस प्रॉपर आप लर्निंग, इससे बेटर लर्निंग कहीं और से नहीं कर सकते। वैसे भी तो कोई ना कोई जाते हैं, कोई स्कूल्स, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते ही है ना इतनी फीस देके, तो उससे बेटर आप शॉर्ट फिल्म बनाओ, प्रैक्टिकली सारा देखो, सेट पे बैठो, राइटर के साथ बैठो, डायरेक्टर के साथ बैठो, आपकी लर्निंग होगी, आपका कोर्स होगा कम्प्लीट। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। तो आपके जो अब जो हमारे एक्टर्स होते हैं, तो आप किस तरह के एक्टर्स को चांस देना चाहते हैं, जब हमारा कुछ भी मूवी आती है तो आप कैसे एक्टर्स लाइक और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड या न्यूकमर्स को भी आप चांस देते हैं अपनी मूवीज में या नहीं? हाँ जी, मेरे आप सारी मूवीज का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, उसमें कमर्शियल मूवीज वाले एक्टर्स भी होते हैं और नए एक्टर्स को मैं जरूर लेता हूँ, और वो भी लेता हूँ जो थिएटर बैकग्राउंड के होते हैं। ओके, क्योंकि अब पुराने रिलेशन हैं सभी के साथ, सभी ने मेरा काम भी देखा हुआ है, तो ये है कि कोई ना नहीं करता, किसी को बोल भी दे कि कोई एस्टेब्लिश्ड एक्टर, जैसे मेरी मूवीज में सरदार सोही जी हैं जिन्होंने नूरा और कंब दी जोड़ी में मेन लीड किया था, देन गवाची पग में आशीष दुग्गल जी हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, ये सारे कमर्शियल सिनेमा के एक्टर्स हैं। जसपिंदर चीमा है कंब दी जोड़ी में, कुल सिद्धू जिन्होंने जो नूरा बनी है, तो ये है कि एक तो उनकी थिएटर बैकग्राउंड और एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, वो पुराने रिलेशंस जो है ना वो फिर कह सकते हो कि कैश किए, बट ये है कि फ्री काम नहीं, पेमेंट भी दी है, सारा कुछ हुआ है। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही होती कि थिएटर बैकग्राउंड वालों को लूँ, क्योंकि जिस टाइप का सब्जेक्ट मेरे हैं वहाँ एक्टर्स फिट हो सकते हैं, प्रॉपर एक्टर्स जो है जिनको एक्टिंग का पता है कि कैसे एक्टिंग होती है। सो मेरी फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट ऑप्शन तो वही होती है। बाकी उसके बाद आया था कि अगर फीचर फिल्म करेंगे, जैसे मैंने जमरौद की है, जमरौद में मेरा जो सब्जेक्ट है वो टोटली ऑफबीट है, वो जो एनआरआईज है ओवरसीज के ऑडियंस है उनके लिए गिफ्ट है ये मूवी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी आप बोल सकते हो कि ये उनको हिट करेगा, ये सब्जेक्ट ऐसा है, उनकी अपनी बात है सभी की,
क्योंकि ये टेररिज्म के टाइम की कहानी। तो इसमें तो आपकी ये कास्टिंग में कौन है, इस कौन है ऐसी फिल्म मेन के लिए, लीड्स में, कौन है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इस टाइप के सब्जेक्ट के लिए मेरे को एक्टर्स ही चाहिए थे। मैं किसी बड़े सिंगर को नहीं ले सकता था, पंजाबी के अच्छे एक्टर्स भी हैं लेकिन कई आउट ऑफ बजट हो जाते थे, तो कई मेरे को लगा कि यहाँ पे फिट नहीं होंगे, तो मैंने टोटली सारे एक्टर्स ही लिए हैं। उसमें भी जैसे मैंने अपनी वही बात की, जो मेरी टीम बनी होती है, पर मेरे करेक्टर को सूट भी करना चाहिए, तो मैंने अपनी सारी मूवीज के जैसे सरदार सोही जी को लिया, नूरा वाली कुल सिद्धू को लिया, आशीष दुग्गल जी को लिया, NSD के पास आउट एक्टर्स हैं, बबली मैम है, वो नेशनल अवार्ड विनिंग मूवीज में भी उन्होंने काम किया, ज्योत गरेवाल है वो भी NSD पास आउट है, कुलजिंदर सिद्धू जी हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं पंजाबी सिनेमा के, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पंजाबी मूवीज की हुई हैं बहुत अच्छी। कहने का मतलब है कि एक्टर्स लिए मैंने सारे। बहुत बहुत अब बढ़िया। मैं किसी को खुश करने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में, यार तू तू भी आ जा, तू भी आ जा, वो काम नहीं करता मैं, किसी को ऑब्लाइज नहीं करता। अगर मेरी डिमांड करेक्टर की जो है उस पे सूट करेगा वो एक्टर, तभी बिल्कुल मैं उसको लेता। दैट इज वेरी नाइस दैट यू वॉन्ट, यू आर सिलेक्टिंग दोज पीपल एंड गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू हु फिट फॉर द रोल। इट्स नॉट लाइक यू आर एस्टैब्लिश्ड, नहीं आप देते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल अपकमिंग जो न्यू जी, टैलेंट है आप उन्हें भी चांस देते हैं। दैट इज वेरी गुड नवतेज जी, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, दैट्स थैंक गुड। यू थैंक एंड आई यू। नो कि लोग पीपल लुक फॉरवर्ड टू बी पार्ट ऑफ द मूवीज, उन्हें चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज। ऑफकोर्स नहीं इट्स नहीं ग्रेट जरूर थिंग टू नो जरूर फ्रॉम यू, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी कि आप नए लोगों को चांस, कुछ लोग नहीं भी देते तो यू नो वो अच्छा टैलेंट रह जाता है, तो एक प्लेटफॉर्म बहुत तो बहुत चाहिए। टैलेंटेड है जी जो सामने नहीं आ पाते, सो जी उनको जरूर आगे लेके आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज सो नाइस एंड इट्स गुड टू नो फ्रॉम यू एंड ग्रेट टू टॉक टू यू नवतेज जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर न्यू थैंक अपकमिंग यू सो मच मूवी रश्मि। और जल्दी रिलीज हो, एंड इट इज ग्रेट टू टॉक टू यू। मुझे लगता है एक शो तो हमारा बहुत कम है आपसे बात करने के लिए, वी मस्ट इनवाइट यू वन मोर टाइम। आपसे सीखने को थैंक यू बहुत रश्मि कुछ जी, बिकॉज यू आर अभी सो थैंक एक्सपीरियंस्ड। यू सो मच। वाकई आपकी बात ठीक है कि अभी काफी ऐसे मेरे इन जर्नी के पॉइंट्स हैं जो जी काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मेरे कैरियर में और मेरी पर्सनालिटी में बहुत किया, उन्होंने बड़ा काम। सो वो भी अभी अनटच रह गए। अभी जमरौद के बारे में भी काफी था, बट आई अंडरस्टैंड कि टाइम की हमारी लिमिट होती है, तो नहीं, मैं बट अब ये है आपको जल्दी कि फिर से थैंक यू इनवाइट सो मच करूंगी। आपके चैनल के थ्रू। मैं बट थैंक बिफोर यू वी सो एंड द मच शो, और बहुत अच्छा। नवतेज जी एनी मैसेज फॉर अवर व्यूअर्स फ्रॉम यू? व्यूअर्स के लिए तो मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेल्फिश होके यही बोलूंगा कि बी प्रिपेयर्ड, रेडी हो जाओ, हम आपको जमरौद आपके लिए लेके आ रहे हैं, और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको देख के पता चल जाएगा कि पंजाबी सिनेमा में इस टाइप के सब्जेक्ट्स और इस टाइप की मेकिंग भी हो सकती है, और वो टेररिज्म के टाइम की कहानी है, और उन फैमिली की जो इस टाइम पेरेंटल जनरेशन चल रही है US, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, उनकी आप कह सकते हो कि उनकी कहानी है ये, उस टाइप का सब्जेक्ट है, तो वो हर घर में उस टाइप के इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट होते हैं, कई चीजें हैं, बहुत इमोशनल कहानी है, बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा कंटेंट है, और मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर बॉबी सचदेवा जी, उनका थैंक्स मैं आपके चैनल के थ्रू करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ट्रस्ट किया और ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया और मेरे को, हमारी पूरी टीम को फ्रीडम दी। सो थैंक यू बॉबी सर, और थैंक्स अ लॉट माई ड्रीम टीवी, थैंक रश्मि यू जी सो मच, आपने इतना अच्छा मेरे को मौका दिया और बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू नवतेज जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जल्दी आइए यूएसए हमारे पास और साथ मिलके एक मूवी बनाते हैं। श्योर एनी टाइम। मैं यहाँ पे जाते जाते एक बात आपको बता दूँ, जी मेरी जो मूवी थी ग्वाची पग, उसके प्रोड्यूसर मिस्टर धर्म सिंह गुराया, जी वो USA में ही है, तो अच्छा इधर वर्जीनिया मैरीलैंड रहते हैं वो, तो मैं 1.5-2 साल पहले USA आया भी था, 1 महीना पूरा मेरा ग्वाची पग के प्रीमियर रखे गए थे अमेरिका में, अच्छा बहुत अच्छा बड़े लेवल पे अलग अलग गुरुद्वारों में जी, दिखाई गई थी अरे मूवी, वाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। मेरे को नाइस, पूरा विश्वास है कि मेरी जमरौद को भी USA की ऑडियंस ऐसे ही एक पूरी सपोर्ट करेगी। थैंक जरूर जरूर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच नवतेज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू रश्मि, नमस्ते, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू, थैंक। मैं हूँ रश्मि बेदी, हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माय ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ड्रीम टीवी यूएसए।